गुड मॉर्निंग क्लास 8। आओ बच्चों, वर्कशीट 12 करते हैं जो कि 26 अगस्त के लिए है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि फूड कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिससे कि फूड को प्रिजर्व हम कर सकते हैं। आओ हमारी वर्कशीट को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन व्हाट डू यू डू इफ़ यू फील लाइक ईटिंग मैंगोज ड्यूरिंग विंटर सीजन और इफ़ यू फील लाइक ईटिंग स्ट्रॉबेरीज ड्यूरिंग समर सीजन। अगर मान लो आउट ऑफ द सीजन अगर हम कोई फ्रूट खाना चाहते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि अगर हम मैंगोज खाना चाहते हैं विंटर सीजन में या स्ट्रॉबेरीज हम चाहते हैं समर सीजन में, तो कहाँ से हमें मिलता है? तो एक नॉर्मल सा आंसर आपकी तरफ से आएगा कि मार्केट जाएंगे और वहाँ से उसे परचेस कर लेंगे, ठीक है, या ऑनलाइन मंगवा लेंगे। तो आप जिस सीज़न का वो फ्रूट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मैंगोज़ क्या है, सीजनल फ्रूट है, नॉर्मली समर सीजन में मिलता है, तो आप उसको विंटर सीजन में भी वो कहाँ से अवेलेबल हो पा रहा है आपके पास? क्योंकि ये जो फ्रूट्स होते हैं या जो वेजिटेबल्स होते हैं या और डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रिजर्व होते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है। प्रिजर्व इसलिए किया जाता है किनसे? ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का हार्मफुल अटैक ना हो जाए और वो चीज़ें, वो जो सब्सटेंसेस हैं, फूड आइटम्स हैं, वो स्पॉइल ना हो जाए। तो प्रिजर्वेशन मीन्स क्या है? किसी भी सब्सटेंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाना। तो आज की वर्कशीट में हम यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिनसे कि हम हमारे फूड आइटम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। एज वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या है? ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह होते हैं वो। तो हमें क्या, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स तो हमारे लिए हेल्पफुल हैं पर कुछ क्या होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो उनसे हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है? इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशंस लाइक हीट एंड मॉइस्चर दे ग्रो वेरी फास्ट। आप जानते हैं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होता है, तो वैसे कंडीशन में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। और अगर वो हमारे फूड आइटम्स पे ग्रो कर रहे हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, तो वो हमारे फूड को क्या करते हैं, बहुत जल्दी कॉन्टेमिनेट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड इज़ ए केमिकल प्रोसेस विच चेंजेस द कलर टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। कॉन्टेमिनेशन क्या है? कॉन्टेमिनेशन है, फूड का कॉन्टेमिनेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ने अगर किया है, तो उस समय हमें फूड में क्या क्या दिखाई देगा, क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे? तो देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो जाएगा, डिसकलर सा हो जाता है, आप सबने देखा हुआ है। टेस्ट भी उसका क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और एक फाउल स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे साइंस किसके हैं कि फूड हमारा क्या हो गया है, अब खाने लायक नहीं है, फूड हमारा कॉन्टामिनेट हो गया है। क्लियर क्लास? उसके बाद दिया हुआ है टू सेव फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स और कॉन्टेमिनेशन वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड्स सो दैट वी कैन एन्जॉय ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द थिंग्स मेड फ्रॉम देम थ्रू आउट द ईयर। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ मेथड्स को अपनाने हैं, कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं जिससे कि क्या होगा, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि सीजनल हैं उनका कॉन्टेमिनेशन से भी हम उन्हें बचा सकें और हम उसको पूरे साल जब चाहें, जब हमारी मर्जी हो, हम उसको परचेस करें, हम उसको यूज़ करें, ठीक है। तो आओ बच्चे देखते हैं क्या क्या है। मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स फूड प्रिजर्वेशन क्या क्या है, आओ देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज़ केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स हैं, जैसे कि देखो यहाँ नेम है उनके, आपको लर्न करने हैं ये नेम, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। ये दो नाम जो हैं आपके वो आपको याद रहने चाहिए। ये प्रिजर्वेटिव्स की तरह पिकल्स में, जैम्स में, जेलीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो ये हैं वो केमिकल्स, वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर देते हैं, चेक कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड वन ही
सेकेंड वन है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट को यूज़ करके, कॉमन साल्ट यानी टेबल साल्ट जिसे हम नॉर्मल अपने घर में यूज़ करते हैं, और सोडियम क्लोराइड, उसको यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। जैसे मीट और फिश को जब प्रिजर्व करना होता है तो उसमें बहुत सारा साल्ट, देखो यहाँ दिया भी हुआ है, बहुत सारा साल्ट उसके ऊपर डाल दिया जाता है ताकि उसके ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो और वो प्रिजर्व हो सके। थर्ड वन इज प्रिजर्वेशन बाय सुगर। सुगर का यूज़ करके भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। क्योंकि सुगर, जब हम सुगर यूज़ करते हैं तो जो हमारा फूड आइटम होता है उसके अंदर जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को सुगर क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इस कारण सुगर भी एक्ट होता है किस तरीके से, प्रिजर्वेटिव की तरह। फोर्थ वन है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तो देखो कह रहा है कि ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं हम कब, नॉर्मली पिकल्स में, क्योंकि ये ऑयल और विनेगर के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और हमारा पिकल जो है वो प्रिजर्व रहता है। ठीक है, हमारा पिकल जो है वो क्या होता है, प्रिजर्व रह जाता है इस कारण से। तो ऑयल और विनेगर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। और आपके दिया हुआ है, और नेक्स्ट वन क्या है, हीट एंड कूल ट्रीटमेंट। हम क्या करते हैं, हीट एंड कूल ट्रीटमेंट नॉर्मली यहाँ पर आपके दिया है पाश्चराइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जब हम हीट करते हैं और फिर उसको कूल कर देते हैं तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उस फूड आइटम के, वो जो हमारे जैसे मिल्क है तो मिल्क के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो दिया हुआ है, बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉयज मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिमिलरली वी शुड कीप। तो अगर हम मिल्क को बॉयल करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे मर जाते हैं नॉर्मली। और दूसरा एक तरीका क्या है कि हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं फूड को। अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो इट मीन्स कि हम फूड को एक लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस कारण कि क्या होता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिनिमाइज हो जाता है उसका ग्रोथ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लो टेम्परेचर पर उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, चेक हो जाती है या बहुत बहुत कम होती है। इस तरीके से हमारा फूड आइटम जो है वो क्या हो जाता है, स्पॉइलेज से बच जाता है, यानी हम उसको सेव कर लेते हैं। अब देखो यहाँ एक टर्म है जो आपको जानना है, क्या है, पाश्चराइजेशन। अभी बात करी थी, पाश्चराइजेशन एक मेथड है जिसमें कि हम मिल्क को पाश्चराइज्ड करते हैं। अब क्या करते हैं, आप सबने पाश्चराइज्ड मिल्क, ये थैली वाला दूध जो है वो सबने देखा हुआ है। आप उसकी जो पैक है उसके ऊपर आप देखोगे लिखा हुआ होता है पाश्चराइज्ड मिल्क। तो क्या मतलब है पाश्चराइजेशन का, देखो पाश्चराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, मिल्क को सबसे पहले हीट करते हैं 15 to 30 seconds के लिए। देखो, हीट द मिल्क फॉर 15 to 30 seconds एट 70 degrees centigrade। ठीक है, 70 degrees Celsius पे हम क्या करते हैं, पहले 15 to 30 seconds तक ही मिल्क को हीट करते हैं और अचानक से सडनली फिर हम उसको क्या करते हैं, कूल कर देते हैं। देखो, देन कूल इट डाउन सडनली, और अचानक से हम उसको क्या करते हैं, सडनली उसे क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं। इससे क्या होता है, और फिर उस कूल मिल्क को हम क्या करते हैं, तुरंत बैग में, जो प्लास्टिक बैग है ये, इसमें हम क्या करते हैं, इसको फिल कर देते हैं। अब ये जो तरीका है जिसमें कि हमने अचानक उसको गर्म किया है 15 to 30 seconds के लिए और सडनली हमने उसे कूल कर दिया है, इस प्रोसेस में जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मिल्क के अंदर, उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, चेक हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन कहते हैं। क्योंकि जब हमने ऐसा कर दिया है तो हमारे मिल्क के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए हैं। तो यहाँ कह रहा है कि पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। हम बिना बॉइलिंग के भी पाश्चराइज्ड मिल्क को हम कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और इस प्रोसेस को, पाश्चराइजेशन को, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम है लुईस पाश्चर। देखो पाश्चर है ना, इन्हीं के ऑनर में इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं, इन्हीं के नेम के ऑनर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है आपका क्या, स्टोरेज एंड पैकिंग। ये है हमारा एक और तरीका प्रिजर्वेशन का। हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे नट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको एयर टाइट, या आप जो भी मिक्सचर या बिस्किट्स खरीदते हैं उनको क्या करते हैं, एयर टाइट बैग में उसको सील कर देते हैं। देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है,
एलमंड है इसमें पैक्ड। तो नट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन एन एयर टाइट सील्ड पैकेट विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब हम करते हैं एयर टाइट बैग में जब हम इसको प्लास्टिक बैग में जब हम सील कर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर इन्वेड नहीं कर पाते, अंदर आ नहीं पाते, तो हम उस फूड आइटम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ऐसे ही आपने देखा है मिल्क आता है या फ्रूटी आपने पिया हुआ है, टेट्रा कैन होती है ये भी जो कैन है, या आप घी और बहुत सारी चीज़ें देखते हो वो इस टेट्रा कैन बैग टेट्रा कैन में आता है। इसके अंदर भी जो भी हमारा फूड आइटम है वो भी क्या होता है, प्रिजर्व्ड रहता है। बाकी आपने कुरकुरे और चिप्स खाया हुआ है उसके अंदर आप देखोगे एयर फिल किया हुआ होता है, नॉर्मली नाइट्रोजन गैस होती है जो कि क्या होती है, अनरिएक्टिव होती है, उस फूड आइटम के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो हमारा जो वो फूड आइटम है वो भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ ही नहीं पाता है उसके अंदर, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना ही वो जो एयर है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साथ वो रिएक्ट कर पाते। तो हमारा फूड आइटम जो उस पन्नी के अंदर, उस प्लास्टिक के अंदर क्या रहता है, प्रिजर्व्ड रहता है। ठीक है क्लास, क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला देवा है नेम एनी टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अभी आपको बताया था वो जो दो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं वो एक है सोडियम बेंजोएट और सेकेंड वन है सोडियम मेटा बाईसल्फाइट। ये है, ये टू केमिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टू पे पहुंचते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन टू क्या है। क्वेश्चन टू है डिस्क्राइब एनी फोर मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के किसी फोर मेथड्स को आपने डिस्क्राइब करना है। आपके बहुत सारे मेथड्स गिवन हैं, आपकी मर्जी है, आप 1 2 3 4 देखो बहुत सारे दिए हुए हैं, आपकी मर्जी है कि आप कौन से इसमें से फोर प्रिजर्वेटिव मेथड्स को आप लिख लो अपनी नोटबुक में। ठीक है, थर्ड वन है आपका, थर्ड वन है स्टूडेंट्स व्हाई इज मोर ऑयल एंड साल्ट एडेड टू द पिकल। क्यों पिकल में ऑयल और साल्ट ऐड किया जाता है ज़्यादा अमाउंट में? बिकॉज देखो यहाँ दिया हुआ है आपके, बिकॉज ऑयल एंड साल्ट प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम्स एंड इट कैन चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या लिखेंगे, ऑयल एंड साल्ट प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम्स एंड इट कैन चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दे आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये यहाँ नहीं है, आपको खुद से लिखना पड़ेगा, बोला है वहाँ से आप लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है नेम एनी फोर थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व। क्या क्या हो सकता है, जैम, जेली, पिकल्स, आम पापड़ एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटे आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है, आप बनाओगे उसे। थैंक यू।